अधर्म पर धर्म के, असत्य पर सत्य के, बुराई पर अच्छाई के, अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व विजयादशमी शुक्रवार को देश भर में उत्साह और उल्लास से मनाया गया। अजमेर में विजयादशमी का मुख्य समारोह पटेल मैदान में नगर निगम की दशहरा महोत्सव कमेटी द्वारा रावण दहन के साथ संपन्न हुआ। पटेल मैदान में 70 फुट के रावण और 45-45 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले भगवान राम के तीर से चंद मिनटों में ही धू धू करके जलकर राख हो गए। इससे पूर्व नगर निगम से दोपहर 3 बजे भगवान श्री राम की सवारी गाजे बाजों के साथ निकली, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई शाम को पटेल मैदान पहुंची, जहां राम रावण का प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। इस बीच राम सेवक हनुमान ने अपनी पूंछ से पटेल मैदान में बनाई गई सोने की लंका को आग लगाकर भस्म कर दिया। राम की सवारी के पटेल मैदान पहुँचने पर जिला डोगरा ने भगवान राम दरबार की आरती और अगवानी की। पटेल मैदान में मौजूद लोगों को विजयादशमी के महत्व को बताया। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। राम दरबार की आरती उतारी गई। इस मंजर को देखने पटेल मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ मौजूद रही। लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ रावण दहन के आयोजन को देखने पहुंचे। जैसे ही राम ने रावण के पुतले की नाभि में तीर दागा, रावण ने हवा में तलवार लहराई, आंखें झपकाई और मुंह से चिंगारी निकालकर अट्टहास किया। इसके बाद अहंकारी रावण पल भर में ही जमीन दोज हो गया। इसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी धू धू कर चलने लगे और इसी के साथ सभी ने जय श्री राम के नारों से पटेल मैदान को गुंजायमान कर दिया। इस बीच आतिशबाजी और रावण दहन देखने आए हजारों लोगों को इस बात की भी निराशा रही कि दूर दराज से वे पटेल मैदान में रावण दहन देखने आए, लेकिन चंद मिनटों में ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलकर राख हो गए। आइए चलते हैं पटेल मैदान और देखते हैं रावण दहन का नजारा। Oh,
उसका दम्भ नजर आ रहा है। घसीटी दड़ा से पधारे रघुनाथ जी के आतिशबाजी भी है और साथ ही भगवान श्री राम से निकल रहे हैं। तलवार की चमक और उसके अंदर का अहंकार दोनों का स्वभाव एक सा ही नजर आ रहा है। परम अंत होने ही वाला है। आरती की धुन लेंगे, गंदी सुगंध आपको
आज सारे लोग जो ये कार्यक्रम देखने आए हैं, हमने यहाँ पर सारी पब्लिक को ओथ दिलवाई है, शपथ दिलाई है कि वो 7 दिसंबर को इलेक्शन के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सब लोग बाहर जाके वोट आवश्यक रूप से देंगे। आचार संहिता का पालन की पालना पूरे जिले में करवाई जा रही है, सभी कार्यक्रम। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।